अच्छा ये बताइए कि जैसे एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो मुझे लगता है इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब पैनल आपके सामने है, चार पांच लोग आपके सामने बैठे हैं, तो आपको जवाब देते समय किस तरफ देखना चाहिए, किसको इंप्रेस करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को कैसे देखना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फील्ड असिस्टेंट जीडी इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। आई होप फील्ड असिस्टेंट रिलेटेड पर्टिकुलर ये सेशन हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देगा, और रॉ रिलेटेड वीडियोस, आईबी रिलेटेड वीडियोस हम आपको ऑलरेडी अपने चैनल्स पर दे रहे हैं। उम्मीद है इंटेलिजेंस रिलेटेड वीडियोस आप ऑलरेडी देख रहे हैं। और बताना चाहूंगा हमारी वेबसाइट पोर्टल पर आप जाकर वेबसाइट से वहां पर एक ब्लॉग मिलेगा दोस्तों, जो पर्टिकुलर DFO के लिए है, फील्ड असिस्टेंट वर्क के लिए है, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉग आपके बहुत काम आ सकता है, वो आंसरिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है। और हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हैं। अंतिमा, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। यस सर। अंतिमा, हमारा जो सेशन है फील्ड असिस्टेंट जीडी इन कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप फील्ड असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल हमें बताइए। यस सर। फील्ड असिस्टेंट का वर्क मेन ग्राउंड वर्क होता है, रो के दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं, जीडी एंड टैली। जीडी मींस ग्राउंड वर्क एंड टैली मींस टेक्निकल वर्क। जीडी का मेन काम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, इन्हें मोस्टली उन सिटीज़ में वर्क करना होता है जो बॉर्डर एरिया के साथ अटैच्ड होते हैं। इन्हें देश की सिक्योरिटी बनाए रखना होता है, इन्हें इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस गैदर करनी होती है। वंडरफुल। अच्छा, जो हम देखते हैं कि ये जो बहुत एडवेंचरस होती है, हाँ मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो टाइगर 1-2 सीरीज आती है, तो क्या वाकई में इतनी एडवेंचरस होती है ये कैबिनेट सेक्रेटरी की रॉ की जॉब्स? नो सर, मूवीज़ वगैरह में सर की तो इनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया होता है, एक्चुअली में इतनी एडवेंचरस नहीं है सर ये जॉब। ओके। यस सर। अच्छा ये बताइए कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरपर्सन कौन है? सर मिस्टर राजीव गौबा। ओके। अच्छा, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो फील्ड असिस्टेंट, तो इनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो बताइए। यस सर। सर इसके बहुत से सोर्सेज हैं, बट इसके कितने हैं, मेन तीन सोर्सेज हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंसी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंसी एंड सिग्नल इंटेलिजेंसी। ओके ओके। आपका नेम अंतिमा है? यस सर। तो अंतिमा का मीनिंग क्या होता है? यस सर। सर माय नेम इज, द मीनिंग ऑफ माय नेम इज रे ऑफ सन, एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ माय नेम इज क्वाइट जोवियल एंड कॉम्पिटिटिव। ओके, यू आर अ कॉम्पिटिटिव गर्ल। यस सर। ओके अंतिमा। यस सर। हमें ये बताइए कि फील्ड असिस्टेंट जीडी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उनके अंदर? यस सर। फील्ड असिस्टेंट जीडी में सर मेन बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, जैसे उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें नई नई लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें फॉरेन लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें नए नए लोगों से मिलना पसंद होना चाहिए, उन्हें ट्रैवलिंग करना पसंद होना चाहिए, उन्हें अपने काम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, वो जो भी अपना वर्क करें वो होनेस्ट से कंप्लीट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनेस्टली रहे अपने काम के प्रति। यस सर। अच्छा, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? यस सर। यस सर, मुझे बहुत सी लैंग्वेज आती हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उर्दू, और सर मैं रशियन लैंग्वेज भी सीख रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या है, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? यस सर, मैं फ्री टाइम में सर मेरी जो मैं करना चाहती हूँ, जैसे मैं कुकिंग कर लेती हूँ कभी कभी जब फ्री होती हूँ। यस सर, मैं रीडिंग मैगजीन्स करती हूँ, और सर मुझे नए नए दोस्त बनाना पसंद है, और मुझे पार्क वगैरह में जाना पसंद है, और जैसे मैं टेम्पल्स वगैरह पे भी चली जाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो ये सब आपकी हॉबीज़ है। यस सर। अच्छा, आपकी कोई वीकनेस, कोई कमजोरी आपकी? यस सर। सर माई वीकनेस इज दैट आई एम वर्किंग अपॉन माई इंग्लिश। कुछ कर रही हैं इंग्लिश के लिए आप इन दिनों? यस सर, मैं इंग्लिश के लिए सर की तो बहुत सी बुक्स पढ़ रही हूँ कि मेरी इंग्लिश आगे से आगे इम्प्रूव हो जाए। ओके। और आपकी स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके अंदर? यस सर, माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई एम डेडिकेट माई सेल्फ टुवार्ड्स अ टास्क एट माई हैंड, एंड आई एम लाइक टू एक्सपेंड माई नॉलेज एंड स्किल्स। दैट्स ग्रेट। अंतिमा, yes, आप अलोन वर्किंग पसंद करते हैं या टीम में वर्क करना पसंद करते हैं? यस सर। सर वैसे तो मैं क्या कहते हैं टीम में ही वर्क करना पसंद करती हूँ, बट मुझे ऐसे होता है कि जब मैं सिंगल वर्क करती हूँ तो मैं अपने काम के प्रति पूरी होनेस्ट एंड डेडिकेशन से कर लेती हूँ। ओके, मींस अलोन भी आप काम करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस। ओके, मान लीजिए हम आपको जॉब के लिए कहीं बाहर भेजें, शिफ्ट yes, करें किसी जगह पर, yes, आपने जैसे बताया बॉर्डर एरिया पर, yes, तो आप चले जाएंगे? यस सर, मैं चली जाऊंगी, मैं वहाँ पे वर्क करना पसंद करूंगी। ओके, मींस एनी पार्ट ऑफ इंडिया आप इजीली वर्क कर सकते? यस सर। ओके।
हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट? यस सर, अवर प्राइम मिनिस्टर। ओके, अच्छा आपको कोई एक्सपीरियंस है अंतिमा? यस सर, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने 3 ईयर से टीचिंग में जॉब करी है और सर मुझे मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। कितने सालों का एक्सपीरियंस आपको मार्केटिंग? सर 5 साल का मैंने मार्केटिंग की एक्सपीरियंस है, जॉब की है उसमें। तो आपका जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये पर्टिकुलर फील्ड असिस्टेंट जॉब जीडी में कैसे काम आएगा? यस सर, जो मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग और कितने मार्केटिंग का सर, फील्ड असिस्टेंट पे भी मेरे कितने बहुत काम आएगा, बहुत बेनिफिट देगा। जैसे फील्ड असिस्टेंट में सर ये तो इसका बेसिकली जो वर्क होता है, नए नए लोगों से मिलना, कितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, नई नई प्लेसेस की कहते हैं सर सैर करना, टूर करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है वो मेरे फील्ड असिस्टेंट में बहुत मेरी हेल्प करेगा। डेफिनेटली। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या रहे अभी तक? यस सर, सर मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट 2 हैं एक्चुअली, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है और पंजाबी मुझे अच्छी लगती है करनी। इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ा मैम, कुछ टॉपिक्स बताइए। यस सर, मैंने इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एनडीपी। यस सर। ओके ओके, अच्छा आपने जो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है ऑब्वियस है हमें भी बेनिफिट होगा इस चीज़ का। अच्छा ये बताइए कि जैसे एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें? ये सर मुझे तो ऐसे लगता है कि जो मेरे एक्सपीरियंस है अब तक टीचिंग का, मार्केटिंग का, वो मेरे फील्ड असिस्टेंट वर्क में वो मेरे बहुत कितने बेनिफिट होगा। जैसे नए लोगों से मिलते हैं और सर जो मैं जो भी वर्क करती हूँ वो पूरी डेडिकेशन से करती हूँ और होनेस्ट से करती हूँ। जो भी मैं अपना वर्क लेती हूँ अपने हैंड में उसको फुल कॉन्फिडेंस एंड फुल डिज़ायर के साथ कंप्लीट करती हूँ वन टाइम में। ओके चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने काम को बिल्कुल टाइम टू टाइम करते हैं। यस सर। Yes, sir. इस समय दुनिया में सबसे बड़ी न्यूज़ क्या चल रही है? यस सर, सर मैं बताना चाहूँगी इस समय जो दुनिया में कितने न्यूज़ चल रही है, इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो करंट न्यूज़ है इस टाइम की। ओके, ऑब्वियस है बहुत सी जाने जा रही है। यस सर। और इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अस। यस सर। अच्छा ये बताइए कि इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इससे आप क्या समझते हैं? यस सर, सर इंफॉर्मेशन एक आम सूचना होती है और इंटेलिजेंस उसमें से एनालाइज करके निकाली जाती है। ओके अच्छा, आपको कंप्यूटर आता है अंतिम? यस सर। सर मुझे बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है बस ओनली। ओके, कोई डिप्लोमा किया आपने? नो सर, डिप्लोमा नहीं किया हुआ, बस वैसे बेसिक कंप्यूटर आता है। यस सर। ओके, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये चीज समझ लेते हो आप? यस सर। इस जॉब के लिए आपको ऐसा नहीं है कि अपनी सिटी में ही जॉब मिले, आपको सिटी से बाहर भी मिल सकती है, थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है, तो मैनेज कैसे करोगे आप, रहोगे कैसे? यस सर, सर मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और सर मैंने अपनी सारी स्टडी कितने हैं विलेज से बाहर की कितने हैं सिटीज़ में रह के करी है। जैसे हॉस्टल्स वगैरह होते हैं सर, पीजी वगैरह होते हैं, मैंने अपनी सारी स्टडी हायर स्टडी जो कॉलेज की होती है, मेरी डिग्री वगैरह, मास्टर्स वगैरह मैंने हॉस्टल्स वगैरह में ही रह के ही मतलब कम्प्लीट करी है। ओके, तो आप पीजी वगैरह अरेंज कर लेंगे? यस सर, सर ईजिली मैं वहाँ पर कितने स्टे कर लूँगी। ओके, अच्छा ये बताइए कि रॉक के हेड कौन है? रवि सिन्हा सर। वेरी गुड, चलिए आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं जो आपके बहुत काम आता है और आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर पैनल मिलता है और बहुत से बच्चे उस पैनल को देखते हुए ये देखते हैं कि यार मुझे आंसरिंग कैसे करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब पैनल आपके सामने है, 4-5 लोग आपके सामने बैठे हैं, तो आपको जवाब देते समय किस तरफ देखना चाहिए, किसको इंप्रेस करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को कैसे देखना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजिस्ट आपसे रेयरली क्वेश्चन पुटअप करेंगे, बहुत कम चांस होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप करें। हमेशा जो पर्सन सेंटर में बैठे होंगे वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, पर ऐसा नहीं भी होता क्योंकि कई बार ऐसा होता है साइड वाले मेंबर्स भी आपसे क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो आपका फर्ज बनता है कि आप सबकी तरफ देखिए, क्वेश्चंस भी दो तरीके के होते हैं, देखिए ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। तो जब आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग आए, जब आपको मौका मिल रहा है ज्यादा बोलने का, तो आप कोशिश करिए कि जिन्होंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है आप उनको भी थोड़ा सा संबोधन जरूर करेंगे अपनी आंसरिंग के दौरान, उससे आपको वो ज्यादा मार्क्स देते हैं, आप उनको अवॉइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं और वो पर्सन इधर बैठे हैं, तो मैं उनसे तो बात करूंगा मगर बीच में इनको भी संबोधन करते हुए उस बात को कैरी ऑन फॉरवर्ड करूंगा, तो इनसे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। मगर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो वन वर्ड का होता है तो आप उस समय टर्न अप नहीं होंगे, आप उसी पर्सन से बात करेंगे जिसने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो अगर आप इतनी सी बात समझ रहे हैं तो मुझे लगता है आप इंटरव्यू अच्छा देंगे और इंटरव्यूअर को इंप्रेस बहुत अच्छा करेंगे। अब साइकोलॉजिस्ट की बात आती है तो साइकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं,
वो सिर्फ आपकी तरफ देखते रहते हैं, इससे कभी कभी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पर आप ये बात ध्यान रखेंगे ये साइकोलॉजिस्ट है, इनका काम यही है कि आप ये चेक करना कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ भी बोल रहे हैं, वो इस बात को पकड़ेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी बात झूठ ना बोलें। हाँ, डिप्लोमेटिक आप हो सकते हैं, तो थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, राइट मेंटरशिप चुनते हैं, तो मुझे लगता है आप इंटरव्यू ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। अंदीप, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। कीप इट अप। माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच।